हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी को। आप कैसे हैं? उम्मीद करती होंगे आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे, तो आज बनाते हैं हम झटपट सा नाश्ता। तो वीडियो में बने रहना। अगर जो हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और आप सभी को राधे राधे। इसी में 2 से 3 आलू लिए और ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काट लिया और ये मैंने थोड़ी शिमला मिर्च काट लिया। अब इसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ आलू को, तो आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ गर्म होने तक का इंतज़ार करते हैं। इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल, इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी डाल देती हूँ इसमें मैं हरी मिर्च, तो थोड़ा होने देती हूँ। फिर मिर्च होते हैं तो थोड़ी कड़ी होगी, तो इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। चिकन मैंने डाल दी इसके अंदर पानी, अभी मैं इसको उबालती हूँ थोड़ा सा, एक उबाल आने तक। इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, नमक डाल दिया थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। अब इसको हम एक उबाल आने तक पकाते हैं। इसमें डाल दिया मैंने सब कुछ, अब इसको उबाल आने तक का इंतज़ार करते हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा गिर के चला रही हूँ अभी। इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा कटोरी चावल का आटा, तो ये भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, जब तक थोड़े से अच्छा होना जाए, कच्चा पन्ना निकल जाए, तब तक इसको धीमी गैस पे बना करते रहना है। तो इसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ थोड़ा टाइट, धीमी गैस पे चला के, तो आपको दिखाती हूँ। अच्छे से पक गया है तो मैं अब इसको उतार लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करने तक ठंडा कर लेती हूँ इसको। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे बनाते हैं इसको। थोड़ा अच्छे से ठंडा, तो मैंने पंखे के हवा में रख दिए थे। इधर मैंने आलू मैश कर लिए थे कद्दूकस से, तो अब मैं आलू में इनको मिलाने जा रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। गाइस अभी ये मैं ठंडा हो गया, तो अब मैं कढ़ाई में से इसको निकाल लेती हूँ। सब अच्छे से ठंडा हो गया तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं आलू में मिक्स कर लेती हूँ इसको। गाइस ये मैंने आलू को इसमें मिक्स कर दिया है, तो अब मैं इसकी आपको बनाती हूँ रेसिपी, तो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। इसमें मैंने नमक वगैरह सब डाल दिया है। ये आलू को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो अब मैं बनाऊँगी इसकी रेसिपी, तो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ रेसिपी। गैस ये चढ़ाती हूँ मैं कढ़ाई, और इधर मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। इधर मैं कढ़ाई में गर्म थी तेल थोड़ा गर्म होने के लिए, तो आपको दिखा। गैस ये मैंने रोटी पूरी बेल ली, तो अब मैं इसकी कर लेती हूँ थोड़ी कटिंग, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी करती हूँ थोड़ी सी कटिंग, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हो गई मेरी अच्छे से कटिंग, तो अब मैं इनको तलती हूँ। इधर हो गया मेरा तेल गरम, तो मैं एक एक डाल के इसमें निकालती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, अभी मैंने डाल दी कि थोड़ा सा इनको फ्राई होने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखो एकदम क्रंची बनी है, ये देखो ये भी क्रंची बनी है, गर्म है भी। मैंने निकाले और कुछ उसमें मैंने रोल टाइप में डाले हुए हैं फ्राई करने के लिए, जैसे रोल वगैरह होती है वो उस टाइप में डाले हुए थोड़े से मैंने बनाने के लिए। पलट कर देती हूँ थोड़ा,
ये कुरकुरे वगैरह बनेंगे, ये भी कुरकुरा बनाएंगे, देखिए कितना अच्छा सा बनाएंगे। अगर जो हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी बना रही हूँ, इतना सारा रखा हुआ है, इतना बना दिया है मैंने।